मुझे बचपन से इस चीज़ की ओर लगाव था। तो अगर पहले बात करें तो उस टाइम ये सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब वगैरह नहीं था, जिस टाइम मैंने ये स्टार्ट किया तो तब मुझे इसके रूल्स रेगुलेशन नहीं पता थे कि आर्ट क्या है और इसका फ्यूचर क्या है। तो तब मैं ऐसी दीवारों पे कुछ कोयले से लकीरें मारता था, तो तब घर वालों को पता चला और उन्होंने मुझे कुछ स्केच वगैरह लाए, तो उन्होंने मुझे बचपन से इस चीज़ में सपोर्ट किया। आजकल के ज़माने में तो सोशल मीडिया अवेलेबल है, तो इजीली आप यूट्यूब पे जा सकते हो और आर्ट के रिलेटेड आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल सकती है। तो मैं पास्ट की बात करूँ तो उस टाइम मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी इसके ओर। तो फिर आगे जाके मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ कंपटीशनों में हिस्सा लिया, तो फिर स्टेट लेवल पे अपना एक एग्जीबिशन हुआ मेरा, तो फिर उसके आउट ऑफ स्टेट भी कुछ एग्जीबिशन हुए नेशनल लेवल पे, तो उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी मेरी पेंटिंग्स डिस्प्ले हुए। हाल ही में जो म्यूजियम आर्ट गैलरी श्रीनगर में ओपन हुई तो उसमें भी मेरी कुछ पेंटिंग्स डिस्प्ले हुई। तो मैंने काबा शरीफ की एक स्मॉलेस्ट पेंटिंग बनाई थी रिंग स्क्रीन के ऊपर, और उसके अलावा लीफ के ऊपर और पेंसिल के नोट पे यानी कि पेंसिल लीड के ऊपर मैंने पेंटिंग बनाई थी। तो फिर वो एशियन और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आई, यानी कि मैंने स्मॉलेस्ट पेंटिंग ऑफ होली काबा जो मैंने बनाया, यानी कि वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट पेंटिंग। तो जो मेरा ये थाट था, तो इसके ऊपर मेरे पास उस टाइम ये यानी कि ये इतने ब्रश अवेलेबल नहीं थे, तो फिर मैंने मॉडिफाई एक ब्रश किया, तो इसके ऊपर फिर मैंने काम किया। इसमें मुझे एक दो दिन लगे बनाने में। तो वैसे हर किसी एक आर्टिस्ट का एक अपना अंदाज होता है और अपनी एक स्टाइल होती है। मैं ज़्यादातर यही एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड आर्ट करता हूँ और सोशल इशू के ऊपर मैं ज़्यादा काम करता हूँ, जैसे कि कन्फ्लिक्ट, चाइल्ड ड्रग एडिक्शन, तो बहुत सारे इशू है सोसाइटी में, मैं उनके ऊपर काम करता हूँ। अगर आउट ऑफ स्टेट बात करें, आउट ऑफ स्टेट अगर किसी को टैलेंट होता है तो उसको एक एज मिलता है, उसको पॉलिश, तो उसको सपोर्ट मिलता है। देखो अगर यहाँ कश्मीर की बात करें तो यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मुझ जैसे तो बहुत सारे हैं जिनके अंदर ये टैलेंट है, या इसके अलावा भी जितने भी चाहे स्पोर्ट्स में या और कोई खेल है, तो उसके वहाँ भी कोई कमी नहीं है टैलेंट की। तो कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो या स्टेट लेवल पे बात करें तो यहाँ उतना सपोर्ट नहीं मिलता।